हेलो एवरीवन, वेलकम टू द दक्षता नर्सिंग एकेडमी। तो इससे पहले जो हमने वीडियोस साइकेट्री नर्सिंग के अंदर देखी थी, उसमें हमने देखा क्या टॉपिक डिस्कस किया था, डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। ठीक है, तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, सबसे पहले परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को या फिर कोई भी स्टिमुलस है, उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से समझते हैं। ठीक है, हर एक जो पर्सन है, हर एक जो व्यक्ति है, उसका जो परसेप्शन वो अलग अलग हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट के लिए। वो हमारा क्या होता है, परसेप्शन। ठीक है, किसी व्यक्ति किसी भी वस्तु के बारे में किस तरह से समझता है, उसके बारे में क्या सोचता है, वो उसका क्या है, परसेप्शन, परसीव करना। अब हम डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर दो डिसऑर्डर आते हैं। फर्स्ट है हमारा इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है, किसी स्टिमुलस को रॉन्ग इंटरप्रेट करना। स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, बट उसको हम इंटरप्रेट रॉन्ग कर लेते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। वो क्या होता है, हमारा इल्यूजन है। एग्जांपल के लिए क्या हो सकता है कि कोई एक रोप रखी हुई है, बट पेशेंट क्या समझता है, स्नेक है वहाँ पे। वो क्या, उसका इल्यूजन है, और जो नॉर्मल पर्सन होगा उसको वो रोप ही दिखाई देती है। दूसरा कोई सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेन रखा हुआ है, पेन की जगह उसको क्या समझता है, यहाँ पे कोई स्टिक रखी हुई है, कोई लकड़ी रखी हुई है, ठीक है, पेंसिल की। तो उस पेशेंट का क्या है, इल्यूजन है। तो उस एग्जांपल हमने क्या देखा कि जो परसेप्शन है उसका, किस तरह से रस्सी को उसने सांप समझ लिया। ठीक है, तो ये हमारा इल्यूजन हो गया। सेकेंड है हमारा हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन में क्या होता है, हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन में क्या होता है, स्टिमुलस एब्सेंट होता है, बट पेशेंट को लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे इल्यूजन में तो स्टिमुलस होता है, बट उसको इंटरप्रेट गलत कर लेता है, और यहाँ पे हेलुसिनेशन में स्टिमुलस ही नहीं है, एब्सेंट है, फिर भी उसको पेशेंट को लगता है कि नहीं, कुछ तो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, एब्सेंट है, और उसको पेशेंट समझता है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी जो इंसान है या किसी भी व्यक्ति की बात करें, तो इसके कई टाइप्स हो सकते हैं हेलुसिनेशन के। ठीक है, उसके बाद ही हम इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन किससे रिलेटेड हो गया, हेयरिंग से। उसको पेशेंट को अजीब अजीब सी जो अनयूजुअल साउंड्स हैं उसको सुनाई देती हैं, और जो किसी और इंसान को ना सुनाई दे उसको, वो पेशेंट बोलता है उसकी क्या कंप्लेंट्स होती है कि मुझे कहीं से मुझे कोई बुला रहा है, या फिर कोई दो आदमी बात कर रहे हैं, और जो ये उनकी बातें हैं सिर्फ वो पेशेंट सुनाई दे रहा है, कोई दूसरा आदमी उसको उन बातों को नहीं सुन सकता। ठीक है, तो वो क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। या फिर कई बार पेशेंट क्या बोलता है कि मुझे वो व्यक्ति, वो जो इंसान है, ये काम करने के लिए बोल रहा है, और वो जो इंसान है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो होता ही नहीं है रियलिटी में, उस इंसान की कोई है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। फिर सेकेंड है हमारा विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल में क्या है, दिखाई देना। ये किससे रिलेटेड है, हमारा विजन। ये हो गया हेयरिंग से रिलेटेड, और ये केस से हो गया हमारा विजन से रिलेटेड। ठीक है, पेशेंट को लगता है कि उसको कोई इंसान दिखाई दे रहा है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है, जो साथ में जो नॉर्मल पर्सन है, और उसको वो इंसान या फिर ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे, तो उसका हेलुसिनेशन होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल किससे रिलेटेड है, हमारा टच से है। ठीक है, या फिर स्किन तुम बोल दो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट
क्या कंप्लेंट करता है कि उसके जो स्किन पे, उसके जो हाथ पे कुछ रेंग रहा है या फिर उसके पैर पर कोई कीड़ा चढ़ रहा हो, ठीक है, तो ये उसका क्या है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो हेलुसिनेशन का टाइप है, ऑल्फैक्ट्री हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्ट्री हेलुसिनेशन, ठीक है, ऑल्फैक्ट्री किससे रिलेटेड हो गया हमारा, स्मेल से। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको जो स्मेल है वो आ रही है, अजीब सी स्मेल कहीं से आ रही है, ठीक है, और एक्चुअल में कोई स्मेल नहीं आ रही होती है, तो उस क्या कंप्लेन, वो तो उसका क्या है, हेलुसिनेशन है। नेक्स्ट हमारा है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। गस्टेटरी हेलुसिनेशन, ठीक है, गस्टेटरी से रिलेटेड हो गया टेस्ट से, टेस्ट, ठीक है, और ये किससे रिलेटेड हो गया, स्मेल से। इसमें जो पेशेंट क्या बोलते हैं गस्टेटरी में, कि खाने में उसको अजीब सा टेस्ट आ रहा है, ठीक है, या फिर खाने में किसी ने कुछ मिलाया है, तो ये उसका हेलुसिनेशन है। और एक्चुअल में खाना बहुत अच्छा बना होता है, मगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि नहीं, उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा, उसमें बिटरनेस आ रही है, उसमें कड़वापन आ रहा है या फिर ज़्यादा मीठा है खाने में, तो उसका हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जो हेलुसिनेशन है वो किस में आता है, जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें गस्टेटरी हेलुसिनेशन कॉमनली होता है, ठीक है, ये हमारा गस्टेटरी हेलुसिनेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन किस में होते हैं, जैसे हम जो मेनिया के जो पेशेंट होते हैं, मेनिया में ऑडिटरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विजुअल हेलुसिनेशन भी मेनिया में हो सकता है। तो ये हमारे क्या है, आज का टॉपिक था डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा समरी कर लेते हैं जिससे आपका भी रिविज़न हो जाए। इल्यूजन क्या है, स्टिमुलस प्रेजेंट है बट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, पेशेंट कुछ और समझता है ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को। हेलुसिनेशन में क्या, स्टिमुलस ही एबसेंट होता है बट उसको लगता है नहीं कुछ तो प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए उसको लगता है कि कहीं से आवाज़ें आ रही हैं, और कहीं नहीं, तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कि उसको खाने में कुछ लगता है कि किसी ने कुछ मिलाया है, वो हमारा क्या हो गया, गस्टेटरी हेलुसिनेशन। और फैक्ट्री में लगता है उसको अजीब अजीब सी स्मेल आ रही है, कहीं से स्मेल आ रही है, ठीक है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, उसका हेलुसिनेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे विजुअल, कुछ कोई उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देना जो किसी तीसरे तो थर्ड पर्सन उसको ना दिखाई देती हो, टेक्टाइल उसके स्किन पर कुछ रेंग रहा हो, या फिर जो कीड़ा उसके ऊपर उसके हाथ पे चल रहा हो, ये उसका हेलुसिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।